वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। दोस्तों आज हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की सीरीज में कैसे कैलकुलेट करते हैं, पैरेलल में कैसे कैलकुलेट करना है हमें, और पैरेलल और सीरीज का कॉम्बिनेशन कैसे कैलकुलेट करना है। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंदर हम करेंट, करेंट को सीरीज में, पैरेलल में एंड पैरेलल एंड सीरीज में दोनों में कैसे कैलकुलेट करना है। इस तरह से हम वोल्टेज पढ़ेंगे दोस्तों, वोल्टेज सीरीज, पैरेलल एंड सीरीज एंड पैरेलल। तो दोस्तों सबसे पहले हमने एक सीरीज डायग्राम ले लिया है। इस सीरीज डायग्राम में हमें आर, टोटल आर की वैल्यू निकालनी है, टोटल रेजिस्टेंस का। तो हमारा आर टी इज इक्वल टू हो जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री एंड सो ऑन आर एन। तो हमें दोस्तों इसमें तीन रेजिस्टेंस दे रखे हैं, तो इसमें हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। हम वैल्यू पुट कर देते हैं 2 + 5 + 4। दोस्तों ये हो जाएगा 4 11। तो भाई आर की वैल्यू निकल आई दोस्तों इसमें 11। अगर हमारे सीरीज में ये तीनों जुड़े हैं तो हमारी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। अगर यही वैल्यू हमने इसमें पैरेलल में जोड़ दी है तो हमारी आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 upon R1 = 1 upon R + 1 upon R2 + 1 upon R3। दोस्तों हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 upon R1 की वैल्यू है, सॉरी 1 upon R1 की वैल्यू लिख देते हैं 2, 1 upon R2 की वैल्यू हमारी 5 है, प्लस ये 1 upon R3 की वैल्यू 4 है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे इनका। एलसीएम कैसे लेते हैं दोस्तों, एलसीएम लेंगे 2 5 4, 2 2 5, 2 1 2 5 1 5। दोस्तों हमारी आर इसकी यहाँ से इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में तो हमें एलसीएम निकल आ जाएगा, 2 2 जा 4 5 4 जा 20। तो हम एलसीएम क्या निकल गया दोस्तों, 20। तो हमने 20 यहाँ लिख दिया। अब 2 से इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 10। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 4। 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा दोस्तों। अब इन तीनों को ऐड कर लेंगे दोस्तों, 5 4 9 और 10 19 19 upon 20। तो हमारी यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा दोस्तों, 1 upon R = 19 upon 20। तो R इक्वल टू दिस रिवर्स हो जाएगा 20 upon 19। इसी तरह से अगर हमारा ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में और पैरेलल में जुड़ा हो तब कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम इन पैरेलल को कैलकुलेट कर लेंगे। तो पैरेलल में कैलकुलेट करने के लिए 1 upon R = क्या दोस्तों, 1 upon R1 + 1 upon R2 होता है, जैसा कि हमने अभी यहाँ पे सॉल्व किया था। तो 1 upon 5 + 1 upon 4, इनका एलसीएम दोस्तों कितना आएगा, इस तरह से हम एलसीएम निकाल लेंगे, तो 5 4 जा 20। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20, तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 4 9 upon 20। तो अब ये डायग्राम दोस्तों हमारा, ये इन दोनों की वैल्यू कितनी निकल आएगी हमारी दोस्तों, 9 upon 20, दैट मीन्स 20 upon 9, हमारा जो आर होगा वो 20 upon 9 हो जाएगा। अब हमें इसके साथ कैलकुलेट करना है, क्योंकि अब ये तो हमारा सीरीज में होगा यहाँ पर, क्योंकि अब इसका डायग्राम कैसे बन जाएगा, इसका डायग्राम कुछ इस तरह बन जाएगा। तो 20 upon 9 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 दोस्तों। तो अभी हमारा सीरीज में होगा, सीरीज के लिए हमारा फार्मूला था, ये फार्मूला था हमारा, तो ये फार्मूला यहाँ यूज़ कर लेंगे दोस्तों, R इज इक्वल टू 2 + 20 upon 9। एलसीएम मिलेंगे 9 2 जा 18 प्लस 20 upon 9, कैलकुलेट कर लेंगे 38 upon 9। दोस्तों हमारी टोटल आर की वैल्यू कितनी निकल आएगी यहाँ पे, 38 upon 9। उसी तरह दोस्तों हम करंट को कैलकुलेट करेंगे। अगर करंट को हमें कैलकुलेट करना हो दोस्तों, हम इसका फिर से डायग्राम बना लेते हैं एक। तो दोस्तों हमने 10 डायग्राम ले लिए हैं, एक सीरीज में, एक पैरेलल में, एक पैरेलल और सीरीज में। दोस्तों हमें इन तीनों में करंट कैलकुलेट करना है, हमें आई निकालना है, इन तीनों में आई निकालना है कि आई की वैल्यू क्या होगी, इसमें भी आई की वैल्यू क्या होगी। तो
दोस्तों सबसे पहले हम इनका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे हमने कैलकुलेट किया था R इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो दोस्तों हम इनको कैलकुलेट करने वाले क्या है, 5 2 7 प्लस 3 8 2 प्लस 5 प्लस 3, तो इतने कितना हो जाएगा 5 3 8 2 10। तो यहाँ R की वैल्यू 10 आ जाएगी। इस तरह सबसे अब इसमें हम I की वैल्यू निकाल लेंगे। तो I इज इक्वल टू दोस्तों क्या होता है, I इज इक्वल टू होता है V अपॉन R। ये कहाँ से निकल के आता है दोस्तों, V इज इक्वल टू होता है आई आर। तो यहीं से हमारा फॉर्मूला निकल के आया था, I इज इक्वल टू V अपॉन R। और एक फार्मूला कौन सा निकल के आया था, R इज इक्वल टू V अपॉन I। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो हमें V की वैल्यू दोस्तों 6 दे रखी है, R की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है जो कि 10 है। तो हम I इज इक्वल टू लेते हैं V इज इक्वल टू 6 अपॉन 10। तो इसका सॉल्व करने पे आएगा 0.6। तो हमारी I इसमें फ्लो होने वाली टोटल करंट कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये 0.6 हो जाएगी। हमारा आंसर होगा 0.6। इसी तरह से हम पैरेलल में देख लेते हैं। पैरेलल में हम रेजिस्टेंस निकालने कैसे किया था, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 3। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, इनके एलसीएम से निकालना हमने आपको बताया था, ऐसे निकाल लेंगे 2 5 3, 2 1 जा 2 5 1 जा 5, इसी तरह से 3 1 जा 3 हो जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 5 जा 15 15 2 जा 30। तो हमारा एलसीएम कितना निकल के दोस्तों, 30। तो ऐसे डिवाइड कर लेंगे कितना आएगा, 15। इसे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 जा 30 होता है, तो कितना आएगा 6। 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे, 15 प्लस 10 25 और 6 30 1 अपॉन 30। तो हमारी R की वैल्यू निकल आएगी 30 अपॉन 31। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे इसी फार्मूले से, सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो यहाँ पे V की वैल्यू है 6 और हमारी R की वैल्यू कितनी निकल के दोस्तों, 30 अपॉन 31 इंटू करेंगे 30 अपॉन 31। इसको सॉल्व कर लेंगे तो I इज इक्वल टू हो जाएगा 131। हमारी I की वैल्यू दोस्तों इतनी निकल के आ जाएगी। इसी तरह से हम इसमें कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम सीरीज़ सबसे पहले पैरेलल को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो पैरेलल के लिए हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 5। हम इस फॉर्मूले का यूज़ करें दोस्तों, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 10। यहाँ से इंटू करेंगे 5 प्लस 2, इतना हो जाएगा दोस्तों 7 अपॉन 10। तो R की वैल्यू निकल आएगी दोस्तों यहाँ से 10 अपॉन 7। दोस्तों हमारा ये R3 दे रखा है इसके वैल्यू, तो टोटल R की वैल्यू निकल आएगी 10 अपॉन 7 प्लस 3। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं हम। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 10 प्लस 7 इंटू 3 21, कितना हो जाएगा 31 अपॉन 7। ये हमारी आर की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें इसमें करंट फ्लो कराना है, करंट की वैल्यू निकालनी है। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R था दोस्तों, V की वैल्यू हमारी 6 है और R की वैल्यू हमारी निकल के आई 31 अपॉन 7। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, तो 6 31 इंटू 6 6 1 जा 6 6 3 जा 18, तो कितना जाए 1 8 6 अपॉन 7। तो हमारी I की वैल्यू इसमें दोस्तों निकल के आ जाएगी 1 8 अपॉन 7।
इसी तरह से दोस्तों हम अब वोल्टेज को देख लेते हैं, वोल्टेज को कैसे सॉल्व करना है। सेम इसी तरह से दोस्तों हम वोल्टेज को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम उसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं टोटल, फिर उसका जो है पैरेलल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम सॉल्व कर लेंगे वोल्टेज को। दोस्तों हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है या किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज आएगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।